चाहे हम फोन पर बात करें या कोई भी कम्युनिकेशन करें, तो इसमें रिसीवर, ट्रांसमीटर, एंटीना का बहुत किरदार होता है। मजीद इन चीजों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में ही बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने जरूर बड़े बड़े टावर्स, एंटीनास देखे होंगे। तो ये टावर्स और एंटीनास क्या करते हैं कि हवा में फैले हुए सिग्नल्स को या तो रिसीव करते हैं या उन सिग्नल को सेंड करते हैं। तो ये टावर्स और एंटीना बेसिकली दो ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में होते हैं, ट्रांसमीटर या रिसीवर की। तो बहुत से एंटीने ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम कर लेते हैं, सिग्नल सेंड करने का भी और सिग्नल रिसीव करने का भी। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एंटीना या टावर किस तरह काम करते हैं और हम इनकी मदद से कैसे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि आपको आपके स्मार्टफोन में किस किस्म का एंटीना मिलता है। तो दोस्तों, एंटीनास बहुत सी वैरायटी के होते हैं। मसलन मोबाइल टावर के एंटीनास, टीवी टावर के एंटीनास, रेडियो के एंटीनास, या जो पुराने नोकिया के फोन्स वगैरह थे उनके ऊपर छोटे से एंटीना, और भी बहुत एंटीना शायद आपने देखे होंगे। तो दोस्तों, इन सब चीजों के एंटीनों का काम एक जैसा ही है, या तो सिग्नल को भेजना या रिसीव करना। तो हम अगर बात करें आपके शहर में मौजूद रेडियो स्टेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जहां स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही होती है या कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है, तो जब माइक्रोफोन में कुछ बोला गया तो वो कन्वर्ट हुआ एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया गया और उन सिग्नल को काफी हाई पावर देकर टावर तक पहुंचा दिया गया, और फिर उस एंटीना से उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। उसके बाद वो जो सिग्नल है वो उस एंटीना में से निकलकर घूमता है, बिल्कुल पीक पर पहुंचकर उसमें फुल पावर जब आ जाएगी, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है उनके घूमने की वजह से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक श्वाएं पैदा हो जाएंगी जो कि एक इनविजिबल एनर्जी में होती हैं, और उसके बाद ये सिग्नल 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रेडियो स्टेशन के एंटीना में से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब बात आती है रिसीविंग एंटीना की। तो जो रिसीविंग एंटीना होता है वो भी इसी तरह ही काम करता है, लेकिन वो ऑपोजिट होता है कि पहले वो एंटीना सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर इन सिग्नल को साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर आप उस साउंड को सुन पाएंगे। अब अगर हम सेंडर और रिसीवर एंटीना की बात करें तो दिखने में ये बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं काफी हद तक, लेकिन इन दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस काम के लिए एंटीने का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसीलिए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उनको अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। आप देखें कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप दिन के किसी टाइम में सिग्नल को भेजना चाहते हैं या रात में, और सिग्नल को कितनी दूर तक भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे आसान तो है लाइन ऑफ साइट। मिसाल के तौर पर एक ये एंटीना है इस तरफ और एक ये एंटीना है इस तरफ, तो सिंपली इधर वाले एंटीने ने सिग्नल सेंड किया और इधर वाले एंटीने ने रिसीव कर लिया, बात खत्म। इसके अलावा दूसरे एंटीने की बात करें तो वो होता है ग्राउंड वेव। तो ये कैसे काम करता है, ये जमीन की गोलाई के साथ साथ सिग्नल को सेंड करता है। तो अगर लाइन ऑफ साइट नहीं भी है तो भी सिग्नल जमीन के साथ साथ बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। और तीसरे एंटीने की बात करें तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको कहते हैं आइनोस्फेरिकल रिफ्लेक्शन। दोस्तों, शायद आपने तो नहीं, लेकिन आपने अपने किसी बड़े से जरूर सुना होगा कि जो बाहर के रेडियो चैनल्स थे, मसलन बीबीसी वगैरह, तो ये रात के वक्त बहुत क्लियर सुनाई देते थे, दिन में आवाज इतनी क्लियर नहीं आती थी इन चैनल्स की। ऐसा क्यों? क्योंकि रात में अगर किसी सिग्नल को दूर भेजना हो तो वो रात के वक्त भेजा जाता है ऊपर की तरफ, वो आइनोस्फीयर से टकराएगा तो जो वहां पर रिसीविंग एंटीना है वो उस सिग्नल को रिसीव कर लेगा, और यहां पर आइनोस्फीयर जो है वो काम करेगा एक आईने की तरह। इस तरीके से आप बहुत दूर तक सिग्नल को भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ रात के वक्त। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि इतने बड़े बड़े पोल्स हैं, टावर्स हैं, एंटीनेज हैं, तो फोन में एंटीना तो नजर ही नहीं आता, अब ये फोन वाला एंटीना काम कैसे करता होगा? तो दोस्तों, जो
रिसीविंग एंटीना होता है वो किसी भी वेव की लंबाई या फ्रीक्वेंसी कह लें, उसको अगर रिसीव करना चाहता है तो एंटीने की लंबाई या तो उस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की आधी हो या फिर 1/4। इस सिचुएशन में अगर बात करें एफएम रेडियो की, तो अंदाजन एफएम की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है 88 से और 109 तक, या जो भी एंड फ्रीक्वेंसी है उसकी। या बात करें पुराने रेडियो की, तो वो तकरीबन काम करता है 1000 किलोहर्ट्ज पर। या बात करें मोबाइल की, तो वो तकरीबन 1000 मेगाहर्ट्ज या 1700 मेगाहर्ट्ज, 2000 मेगाहर्ट्ज पर। तो ऐसी सिचुएशन में एंटीना की लंबाई वेरी करती है, या आपने शायद वो एक्सटेंडेबल एंटीना देखे होंगे 4-5 फीट का जो होता है, अक्सर रेडियोज के साथ लगा होता है, वो एंटीना होता है एफएम के लिए। लेकिन अगर आप एएम की बात करें, तो उस एंटीने की लंबाई बहुत लंबी होनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाता है कि उस लंबाई को रेडियो के अंदर ही छुपा दिया जाता है। आपने अक्सर रेडियोज में देखा होगा कि एक कोर के ऊपर जो है वो कॉपर वायर को लपेटा जाता है, और वो कॉपर वायर बहुत बारीक होती है, अगर आप उसे खोलेंगे तो वो काफी लंबी लेंथ में हो, और इसी की वजह से हम एएम स्टेशन सुन पाते हैं। लेकिन मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में हाई फ्रीक्वेंसी पर काम हो रहा है आजकल, और उनकी वेव लेंथ बहुत ही छोटी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वेव लेंथ कम होगी तो एंटीने का साइज भी छोटा होगा। इसीलिए हमें पुराने नोकिया मोबाइल में ऊपर एक छोटा सा एंटीना मिलता था, लेकिन आजकल के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स में फोन के अंदर ही एक तार लगी होती है, बैक कवर के पीछे कई दफा लगी होती है या बॉडी के अंदर लगी होती है, जो एंटीने के तौर पर काम करती है। तो आप समझ गए होंगे कि एंटीना कई किस्म के हैं, उनके अलग अलग काम हैं। आपके फोन का एंटीना अलग है, रेडियो स्टेशन का अलग है, और इसी तरह जो बड़े बड़े टावर्स हैं उनको बहुत पावर चाहिए सिग्नल को थ्रो करने के लिए, लेकिन मोबाइल को इतनी पावर नहीं चाहिए होती सिग्नल थ्रो करने या रिसीव करने के लिए। तो बस यही था एंटीनाज, रिसीवर और ट्रांसमीटर के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।